अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरो, मैंने चंद वीडियोस बनाए हैं बिटकॉइन के बारे में, वन कॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैंने कहा था कि आई हैव डन सम इन्वेस्टमेंट इसमें, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसी थी कि रेडीमेड जो कॉइन थी उसमें मैंने पैसा डाला, वो खरीदी और उसकी वैल्यू बढ़ी है। अब आई डू नॉट रिकमेंड कि सब के सब जाओ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जस्ट फॉर योर, आपको एजुकेट करने के लिए कि क्या चीज़ होती है और माइंड कैसे किया जाता है। सो अब वक्त आ गया तो आई थॉट कि सबसे जो प्रॉफिटेबल तरीका है मेरा खरीदने का बिटकॉइन वो ऐसे है, या बिटकॉइन, या बिटकॉइन तो अभी चलिए बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, उसकी जो साथ वाली जो दूसरी करेंसीज है टॉप 10 जिसको कहते हैं, ये टॉप 20 जो है, तो वो सबसे सस्ता तरीका उनको खरीदने का ये है कि आप खुद माइंड करो। सो आफ्टर 3-4 वीक्स ऑफ थिंकिंग ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, रिसर्च और थियोरेटिकली हिसाब करते गए, और हमारे पास कंप्यूटर्स जो 20-40 पड़े हों वैसे उन पर हमने माइनिंग कोशिश की है, CPU की है, GPU की है, अब हमने डिसाइड किया टू एक्चुअली मेक अ माइनिंग रिग। सो अब आपको मैं दिखाता हूँ जो पहले वाला मैंने बनाया उसकी कॉस्ट क्या है और मैं इसमें क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम इट। सो कम विद मी, मेरे साथ आइए। दरवाजा बंद होने से पहले नीड टू गेट ऑन टू माय, ओप्स। अच्छा तो नाउ आप आ चुके हैं अंदर एंड आपको ये चीज दिखानी है। ओके ओके बंदो, ये है मेरी माइनिंग रिग। ये आप देख सकते हो ये सारे GPUs लगे हुए हैं। ये पहले तो लकड़ी का ढांचा बना है क्योंकि आम केस, वो जो केस हैं उनमें ये पड़ती नहीं है, ठीक है। तो वक्त आ गया तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकली देखना इज टू एक्चुअली बिल्ड इट फुली। सो ये तो तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं बनाने के लिए ड्रिल्स स्क्रूज इस्तेमाल करके। इसमें हमने डाला क्या, 6-8 का प्लान था, 8 के 6 पे ये चलती हैं इसका जो प्लान होता है। तो हमने 6 इसमें ग्राफिक कार्ड्स डाले हैं, NVIDIA के हैं, GTX 1060। ये तकरीबन हमें 27-28 हज़ार रुपये का एक पर है, ठीक है। ये पावर बैंक है, ये हमें पर है तकरीबन, ये भी तकरीबन 23-24 हज़ार का पर है। ये मदरबोर्ड है, ये हमें तकरीबन 18 हज़ार की पड़ी है। यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये तकरीबन 5-6 गुना बेहतर होता है अपना, 5-6 गुना तेज होता है सॉलिड स्टेट, यानी समझो ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है। लैपटॉप्स में भी ना ये नहीं पड़ते, ये भी अभी भी जाके सस्ते हुए। ये तकरीबन 4-5 हज़ार का हमें पर है, 30 pounds का आया। उसके अलावा एक CPU भी है यहाँ पे कहीं पे लगाया हुआ, कहीं पे रखा हुआ है, तो वो भी तकरीबन 30-40 रुपये का आया, 30-40 pounds का आया। एंड यू कैन सी, ये देख लो आप सेटअप, ठीक है। तो ये मेरे पिंग पोंग टेबल पे है जहाँ पे मैं पिंग पोंग खेलता हूँ व्हेन आई एम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड या थोड़ी सी, यानी दिमाग को थोड़ा कुछ करना है। तो ये देख लीजिए हमारी हार्डवेयर जो हमने ली है, एंड दिस ये तकरीबन समझ लो हमें 2000 pounds कुछ का पड़ा है। अगर हम बाइक से खरीदते किसी से रेडीमेड तो 3000 का पड़ जाना था, क्योंकि मैंने देखा है ईबे पे यहाँ पे यूके में लोग बेच रहे हैं इसको, यही चीज़ बना के कि जी आप इससे जो कॉइन्स है वो माइन करो। तो हम जो है ना, हमने अपना बनाया एंड टू मेक मनी पैसा बीच में फेंकना पड़ता है। दिस विल एजुकेट मी, ठीक है, ये हमें एजुकेट करेगा। मेरी जो टीम है, 4 बंदे हम टोटल जिसको हम जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमेशा क्या होता है, मैं 2-3 बंदों के हाथ में थमा देता हूँ, यार आप इसको रिसर्च करो, एंड पार्ट ऑफ दैट रिसर्च इज कि ये 2 लाख नहीं पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन, आजकल तो रेट माशाल्लाह थोड़ी अच्छी हुई है, 2,08,000 कह लो, 3 लाख के करीब ना ये हमें पड़ जाएगा। वो जो भी मेमोरी है वो भी 70 pounds की आ रही है। सो ये हमें पड़ जाएगा तकरीबन 3 लाख रुपए का। एंड इसकी जो पोटेंशियल है वो ये है कि ये तकरीबन 15 हफ्तों में अपना पैसा पूरा कर देगा। ना सॉरी, दो किस्म की है, अगर एब्सोल्यूट जो गिर जाती है ना, अगर एब्सोल्यूट मार्केट गिर जाती है आधे पे आ गई तो तकरीबन 15, अगर टोटल गिर गई तो 22, और अगर इसी पेस पे चलती रही 9 हफ्ते ऑलमोस्ट 2.5 महीनों में हमें ये पैसा अपना पूरा कर जाएगी। इसके अलावा इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 40 pounds है, तकरीबन 5,500 रुपये इसकी सिर्फ बिजली ये खाएगी हफ्ते की। बट वट दैट विल, और यहाँ पे यूके में माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आई स्टिल वॉन्ट टू डू इट। लोग अमूमन जो माइनिंग है वो कहाँ पे कर रहे हैं, आइसलैंड में कर रहे हैं, यूक्रेन में, रशिया वगैरह, जहाँ पे चाइना में जहाँ पे बिजली सस्ती है। पाकिस्तान में बिजली सस्ती नहीं है, बिजली बल्कि है ही नहीं यार, हम क्या करें, अनलेस यू आप सोलर पैनल लगा रहे हो देन दैट विल मेक इट प्रॉफिटेबल, ठीक है। वो वन टाइम कॉस्ट होगी,
आप इसको रन करने के लिए ना चार पांच आप यानी अच्छा खासा सिस्टम लग जाएगा। एंड सो ये मेरा एक तजर्बा है, और ये जिस हाल में आप अभी बैठे हैं ना, इसमें कम अज़ कम अगर ये चल पड़ा मैं कोई प्रॉपर्टी बेच के ये 100 लगा दूंगा, ठीक है। और 100 लगाने में ज़ाहिर आप देख लो, यानी प्रॉपर्टी 10 साल के बाद पैसे अगर लेके आती है, 8 साल के बाद पैसे पूरे करती है, तो ये 2.5 महीने के अंदर पैसे पूरे कर देगा, एंड दैट इज़ द प्लान। ओके, तो अच्छा अब माइनिंग होती क्या है यार, सिंपली ये जो प्रोसेस है ना, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको हल करते हैं, चलते जाते हैं, जैसे ही कॉइन्स निकलती आती जाती हैं, वो जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होता है, मैथमेटिकल जो मैथ का जो होता है फॉर्मूला, वो बड़ा होता जाता है, एंड यानी फिर क्या होगा, एक वक्त आएगा ये भी काम की नहीं रहेंगे, इनको बेचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ दैट बिफोर बेचने से पहले कि ये मुझे पैसे भी पूरे कर देंगे, इन दिल में अ प्रॉफिट फॉर मी। ऑब्वियसली अगर आप इनको यानी आइसलैंड लेके जाओ, और ये गर्मी इतनी पैदा करेंगी, उनके लिए आई हैव एसीज, आप ऊपर देख सकते हो एसी लगे हुए हैं, तो प्लस यहाँ की सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, इन अबाउट 3 मंथ्स सर्दियाँ हो जाएंगी। यूके में यार गर्मी 2 महीने होती है टोटल, वो भी दिन को रात को कम ही होती है, एंड दैट्स इट। ठीक है जी बंदो, आई विल जब ये लॉन्च होगा देन अपना जब ये लाइव होगा मैं इसका बाकी वीडियो तब बनाऊंगा, सो लेट्स डू दैट इन अ सेकंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रही है कि यार माइनिंग कैसे होती है। सो माइनिंग कैसे होती है, ये कंप्यूटर सा बना दिया, ठीक है, ये बगैर स्क्रीन के कंप्यूटर सा बना दिया, ये बस चलता रहेगा जिस तरह समझ लो, एक एक कंप्यूटर में अमूमन एक ये होता है, ठीक है, एक ये होता है और एक एक ये पुर्जा होता है, और ये हमने सुपर पावरफुल इसलिए लिया क्योंकि हमने ये 6 गट्ठे चलाने हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा सोल्यूशन ये था कि 2-3-3 के बनाते हैं, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये एफिशिएंट रहेगा, और उसमें जरा हमने बिजली का खर्चा कम रखना है, 40 पाउंड की बिजली खाएगा फिर जाके पैसे कमाएगा, अगर ये ना कमाता, अगर ना बिजली लेता, बिल्कुल हमें मुफ्त का मिला होता, सड़क पर मिला होता, तो देन इट वुड हैव बीन के जी, और या हम अपने जो हमारे पास पुर्जे हैं उनको जोर जरा के, अगर हम क्योंकि हमारे कहा ना 20-30 नाकस कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं हर जगह, जिधर भी आप देखो इस ऑफिस में बस कंप्यूटर खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। एक आध मैंने अभी किसी बंदे को दिया, एंड ये कमरा भी इसमें भी ना काफ़ी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, सो वी कुड जोर चला के वो फिर भी ना प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ठीक रहती है। अच्छा मेमोरी वाले बंदे आ गए हैं, दैट्स इट, मैं तब आई विल कंटिन्यू द वीडियो आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह। मैट आ चुके हैं, एंड इन्होंने ना मेमोरी वो ले आए हैं, देखो गो देख लो, मैट वेयर इज दिस गोना गो, इट्स गोज इन हियर जस्ट like Lego, the slots that fits. Okay, and do we need much memory with this? It's not really memory dependent, is it? It's not really. As long as you've got enough to boot the system, it'll do. Like 2-4 gig will be fine. तो 2-4 gig सिर्फ और सिर्फ इसको बूट करने के लिए, ये ज्यादा जो सारी इसकी जो प्रोसेसिंग होती है सिर्फ इनके ग्राफिक कार्ड्स हैं इनकी इनसे होते हैं। और आपको एक बात बता दूं, मजे की नहीं है, आई गेस इट्स नॉट गुड, ये हमें एक तो महंगे पड़े हैं, एंड दे आर नॉट द बेस्ट जो एफिशिएंट है ना इस काम के लिए। AMD व्हाट्स द वन दैट रियली वर्क इन दिस, AMD 570s आर द बेस्ट, लेकिन क्या के दे हैव रन आउट इन द मार्केट, और जिससे भी पूछो यार 2-3 हफ्ते का कह रहा है, महीने महीने का कह रहा है, बिकॉज जो यहाँ पे माइनिंग इतनी ज्यादा हो रही है इन चीजों की कि सब लोगों ने खरीद लिए, एंड आफ्टर मार्केट में जो सेकंड हैंड लोग बेच रहे हैं वो काफी महंगे बेच रहे हैं। तो अभी इसने मेमरी डाल दी, और मैंने कहा ना हमारे पास 1.5 मेमरी है, बट बस इस साइज की हमारे पास नहीं थी, ठीक है, तो दैट्स इट, अदरवाइज देख लो हमारे पास कितनी है यार, काफी पड़ी हुई है, टॉप क्वालिटी की, इट्स नॉट मारी नहीं है, वी गॉट व्हाट्स दैट थिंग कॉल्ड इस्तेमाल करेंगे, बट वी विल टेक दिस डाउन स्टेयर्स, हमारे बेसमेंट एक और लेवल है जो नीचे बेसमेंट में है, एंड ये हमने जो गैप छोड़ी है ना इज फॉर एयर सर्कुलेशन, ठीक है, और इनसे आप तकरीबन 20% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी निकाल सकते हो अगर इनको ओवरक्लॉक करते हो, लेकिन उनमें गर्माइश बढ़ जाएगी। बट अगेन मैंने कहना सर्दी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, एंड डाउन द है वहाँ पे हमारे यहाँ पे नीचे रास्ता जाता है बेसमेंट का, वहाँ पे इट्स एब्सोल्युटली कोल्ड एनीवे, ठीक है। तो ये हमारा माइनर चल रहा है, जब ये येलो में आपको टेक्स्ट दिखाती है दैट मींस कि हमारा एक शेयर एक हिस्सा उसमें हमारा डल गया, जो अगली कॉइन निकल रही है, और ये यहाँ पे ना इस जो ग्राफिक कार्ड है इनको थोड़ा क्लॉकिंग किया जा रहा है, क्लॉकिंग का ये मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये 100 की स्पीड पे चल सकता है, और हम उससे ना थोड़ा सा ज़्यादा चला देते हैं, 110 पे चला देते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर एहतियातन 100 कहते हैं, उनको अंदर से पता होता है कि 150 तक भी चल जाएगी थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि हमें ये कई महीनों के लिए चलानी है, तो ये ना हो कि 4 महीनों में जल जाए, इफ वी गो टोटली ओवर क्लॉक इसको कर दें तो हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 10-20% फालतू चलाएंगे, इट्स जस्ट सो मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट, ठीक है। और अभी यू कैन सी इट, ये चल रही है,
एंड हमारी जो पहली क्या कहते हैं कॉइन आ चुकी है, को पहला हमारा जो हिस्सा है इट हैज बीन डिलीवर्ड. सॉरी मेरा जो ऑफिस है हमेशा मैसी होता है, बट देन मैसी वो क्या कहते हैं बिजी लोगों का ही होता है. देयर यू गो माशाल्लाह, ये हमारी पहली जो है ना ये हमारी 10 इतर आ गई, तकरीबन $32-33 के इसकी वैल्यू है. हम अभी जो एस्टिमेटेड है हम $22 पर डे प्रॉफिट में हर 24 घंटे $22 से ₹80 फी घंटा के हिसाब से वो चल रही है मशीन. इनमें पैसा तब कमाया जाता है जब 1000 मशीन बैठी होगी, 100 मशीन बैठी होगी एंड अंत पैसे उस तक जब भी अपना पैसा पूरा कर चुकी होगी एक्सेट्रा. अच्छा ये हमारी ब्रेक डाउन है ऑन दी फीजिबिलिटी ऑफ इट, एक एक पार्ट ये कितने के आए हैं. आई हैव अनदर शीट हियर आपको दिखाता हूँ, गिव मी सेकंड. ये दूसरी वाली शीट देख सकते हैं हमने कहाँ से कौन सा पुर्जा लिया है. अमेज़न ई बाय पी सी वर्ल्ड और बी एन क्यू जैसे लकड़ी ली है जिसके वो एक लकड़ी वाली दुकान है राइट. और ये कॉस्ट हमने क्या दिया इसकी और ये VAT है वो टैक्स. एक तरीका है कि ये वाला जो टैक्स है ना ये हमें वापस आ सकता है, और अगर ये हमें वापस आ सकता है टैक्स विच इज़ 20% होता है तो वी शुड बी एबल टू. हमारी ऑब्वियसली 20% आप कह लो कि हम जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंच जाएंगे. दिस इज़ हमारी सबसे पहली वाली जो अब इसमें देख सकते हो कि ये जो ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये पावर बटन्स हैं, SSD हार्ड ड्राइव हो गया, ये मदर ड्राइव हो गया, GPU, जस्ट रैंडम रैम बोर्ड लकड़ी जो भी होती है. सो टू क्रिएट जिसको हम ऑब्वियसली कह सकते हैं रिग वन, ये हमारी कॉस्ट आई है एंड प्लस दीज ये टैक्स है, ये असल कॉस्ट है, ये टैक्स है, ये हमें लाइक आई सेड वापस आ सकता है. सो व्हाट नेक्स्ट जो भी अब फ्यूचर, क्योंकि पहला था जल्दी में थे पुर्जे काफ़ी नहीं मिल रहे थे, दूसरे सस्ते वाले बनाने वाले जो ऑब्वियसली जो रिकमेंडेड है तो हमने ये इस ऑप्शन पे गए हैं. अब क्या पता चल रहा है कि ये बेस्ट हो चुकी है और यही चीज़ नहीं मिल रही बाजार में, और हम क्या करेंगे फ्यूचर में क्योंकि हमें वास्ट क्वांटिटी चाहिए. हम इसके विल जस्ट लिटरली गो टू होलसेलर्स और उनको कहेंगे कि आप यार हमें होलसेल प्राइस पे दो. अगर हम थोड़ा सा सब्र कर जाते हैं अलीबाबा तो आपको पता है अलीबाबा से एक आध पुर्जे ये वाले सस्ते मिल जाएंगे, वो वाकई तन उसमें 30-40% का प्रॉफिट मार्जिन जो वो रखते हैं वो बच जाएगा, प्लस जो आम ग्राफिक कार्ड्स होते हैं 10-20% तो उसमें प्रॉफिट होगा. सो ये अगर हमें 1600 pounds की पड़ी है या 2000 pounds की पड़ी है इट विल एवेंचुअली प्रॉब्ली कॉस्ट 1600 की अगर विदाउट टैक्स पड़ी है तो हमें चलिए जी 1200 की पड़ जाएगी, 1000 की पड़ जाएगी. दैट मीन्स वी विल बी क्लोजर टू प्रॉफिट राइट फ्रॉम डे वन. ओके जी दैट वॉज दी अपडेट. और ये जो पहले आपको दिखाया था वॉज फीजिबिलिटी, अगर इतने की हुई तो कितने देर में हम पैसा कमाएंगे, अगर इतने की हुई तो इतनी देर के बाद पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह. ओके बट रियली वन क्विकली शो, यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा माउस है मैंने कहा था ना इथेरियम गिर रही है 318 तक पहुँच चुकी है, 317 तक पहुँच चुकी है ना, वजन क्वाइट शो इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ. 12% ओवरनाइट गिरी है ये, 12-13% ऑलमोस्ट हर कॉइन गिर चुकी है. बिटकॉइन थोड़ी ऊपर गई है बट ऑल द रेस्ट इन द टॉप 10 देख सकते हो गिर चुकी हैं, टॉप 10 ऑफ द ट्रेडिंग. आप लोग मुझे फिर ऑल्सो कहते हो कि एंड आई वॉन्ट टू एम्फसाइज कि ये रिस्क है, कभी भी किसी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो इट्स अ रिस्क, आप में बर्दाश्त होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है. कल मेरे जिम्मे ना लगाना जी मैंने जाके घर की पूरी जो होती है दौलत वहाँ पर लगा दी एंड आई लॉस्ट आउट. ओके आई एम नॉट जिम्मेदार, आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू. ठीक है तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, ये मैंने तकरीबन 1700 ली थी और ये देख लो आज 2700 की, दैट वॉज तकरीबन 70 दिन पहले. ये आई डिडंट मच, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट हास नहीं की. लाइट कॉइन मुझे तकरीबन 5-6 की मिली थी अबाउट 3 months अगो, $10 मे बी 10 के करीब थी, अंडर थी 10 से. ये देखो कहाँ पे पहुँच चुकी है. रिपल आई बोट फॉर 25 25 cents की खरीदी है, 28 पे है. इथेरियम क्लासिक तकरीबन 19 की खरीदी थी, 19 की है. ये हालिया में खरीदी है एंड देन द मोस्ट जो मुझे प्रॉफिट हुआ ना सच्ची बताऊँ तो इट हैपेंड इन मोनेरो में और कहाँ गई है यहाँ पे यार डोज कॉइन तकरीबन 20 गुना ज़्यादा बड़ी है ना. आई रियली रियली यार सो काश मैं और कहीं नहीं लगाता यहाँ पे लगाता बट काश इज़ ये अल्लाह को भी पता है कल क्या होना है, फ्यूचर का गायब का उन्हीं को पता है. सो मुझे अच्छा एक और चीज़ क्या है कि लियो कॉइन के बारे में पूछा जाता है. ये लियो कॉइन है 26 पे और ये 22 पे अपना क्या कहते हैं डोज कॉइन है. लियो की अगर आप मार्केट वैल्यू देखो तो ये तकरीबन ये 18 million इसकी मार्केट वैल्यू है, 18 million यानी टोटल इसमें लगाया गया. ये जो डोज कॉइन है इसमें 331 million US dollars लगाया गया. और अगर आप इनमें आते हो ना जहाँ पे बिटकॉइन है तो देखो यार 44 billion
सो बेशक यहाँ पे 800 कॉइन्स है, जाते रहो ऐसी ऐसी कॉइन्स आपके आएंगी जिनमें कुछ किसी ने कभी कोई पैसे नहीं डाला है, मी रॉयल कॉइन फलावला दिनार कॉइन जो भी इन्होंने बनाई हुई हैं। और आपको वो मैंने बार बार कहा था कि वो वन कॉइन स्कैम है, किधर है यार, वो कहते हैं हमारी वैल्यू 6 बिलियन है, ये मार्केट कैप करते हैं, टॉप वाली 44 बिलियन है, सेकंड वाली 29 बिलियन है, थर्ड पे 10 बिलियन है, अगर वो कहते हैं हमारे पास 6 बिलियन की वैल्यूएशन है तो किधर है वो 6 बिलियन उनका, कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप चौथे को देखो 2, 2, 2, 1, 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
है तो आई वुड रियली टारगेट द टॉप 10। और अगर मेरी एक रिकमेंड कर सकते हो तो अगर हम बिटकॉइन को कहते हैं ये सोना है, इथेरियम को कह देते हैं सिल्वर है, और बाकी को कह देते हैं डॉलर पाउंड है, तो आई वुड पर्सनली गो फॉर ये जो मैंने कही थी नंबर 22 पे जो डोज कॉइन थी, कदर गया बट यहाँ पे विल गेट इट हियर। ठीक है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। तो ये डोज कॉइन है ना, तो इसको मैं कहूँगा क्योंकि इट्स यार बहुत सस्ती है इन डॉलर वैल्यू ना। इफ आई गो इन डॉलर वैल्यू, इसकी डॉलर वैल्यू निकालते हैं तो ये लो, ठीक है, डॉलर वैल्यू में इसकी वैल्यू है जी एक रुपए की आपको तकरीबन 3-4 मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी आपको आसानी से एक रुपए की। एंड ये अगर बिटकॉइन वगैरह अगर सोना है तो दिस इज द रुपया, रुपया हमारी जेब में होता है इंडिया पाकिस्तान में और काफी अदर कंट्रीज में सेशल्स में रुपया होता है हमारे पास। सो समझ लो हमने रुपए खरीद लिए, क्रिप्टो करेंसी के रुपए खरीद लिए। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज एग्जैक्टली लाइक बिटकॉइन, सो इट्स क्वाइट सॉलिड, ये काफी जो पुरानी करेंसीज में उनसे है। एंड लाइक आई सेड 20 गुना बढ़ चुकी है ऑन व्हाट आई एक्चुअली परचेस्ड। आपके लिए यार एक रुपए तक तो इसकी वैल्यू आएगी ना, 3 गुना तो ये बढ़ेगी ना किसी टाइम, यानी एक रुपए तक तो इसकी वैल्यू जरूर आएगी, यहाँ पे तो ये पहुंचेगी। सो एटलीस्ट यू ट्रिपल्ड योर इन्वेस्टमेंट, बट अगेन डू नॉट टेक माय वर्ड फॉर इट, अपनी अक्ल भी थोड़ी इस्तेमाल करनी है। तो लियो कॉइन कहाँ पे गई, लेट मी फाइंड लियो कॉइन यार फॉर यू। ठीक है, और क्या कि एक्सचेंजेस भी आप देखोगे लियो कॉइन में भी ये वाली है, तो अगर आप इसकी एक्सचेंजेस पे मार्केट्स में देखोगे यहाँ पे तो ये 3 मार्केट्स पे इस्तेमाल हो रही, 3 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले। ठीक है, और अगर हम यूएस डॉलर्स में देखते हैं तो 2 मार्केट्स पे ये इस्तेमाल हो रही है, बीटीसी के लिए, बीटीसी बिटकॉइन 3 मार्केट्स, और देखो सुस्तगी कितनी है 3 घंटे 1 दिन पहले। और अगर हम आते हैं ये किधर की डोज कॉइन, और मुझे मैं स्क्रीन अपने मोबाइल से देख रहा हूँ सो थोड़ी मुश्किल पा रही है, लुक एट दैट, वो 4 थे और ये देखो अंत है। और अभी मुझे इतनी ज्यादा अदर भी एक्सचेंजेस का पता जहां पे ये चल रही है, 2 मिनट पहले, 16 घंटे पहले, 10 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, जस्ट नाउ अभी। एंड अगर यूएस डॉलर की ये है कि कौन कौन सी करेंसी के साथ इस चीज को खरीद रहा है, ठीक है, सो ये चाइनीज येन के साथ, ये लाइट कॉइन के साथ, ये बिटकॉइन के साथ। उमूमन लोग क्या करते हैं, पहले बिटकॉइन खरीदते हैं क्योंकि वो सबसे आसान चीज है खरीदना, और फिर उससे जाके दूसरी सब करेंसीज खरीदते हैं, ठीक है, जो सब यानी छोटी करेंसीज है। और आई वुड एक्चुअली रेकमेंड, इसका सिंबल क्या है, ये कुत्ता है और कुत्ते के आगे डी पड़ी हुई है, डॉग कॉइन इसको कहते हैं, ओके, डॉग कॉइन। दैट्स इट बंदो, आई कीप ऑन एजुकेटिंग यू इंशाल्लाह जब तक हिम्मत है, एंड टेक केयर इंशाल्लाह। एंड वीडियोज लंबे होते जा रहे हैं, बट दीज आर एब्सोल्युटली वर्थ वॉचिंग, मुझे आई स्पेंट लाखों 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 जस्ट टू एजुकेट माई सेल्फ ऑन दिस, ताकि आपको ना खर्चने पड़े, यू कैन गेट एजुकेटेड लॉट क्विकर। ओके बंदो, अब मैंने आपको बता दिया कि जी या दिखा दिया, कम से कम बताया तो नहीं है, दिखा दिया कि रिग कैसे बनती है, माइनिंग कैसे होती है कॉइन, और मेरा जो रिग है वो भी अभी भी चल रहा है। अगर आपको समझ नहीं आई, दिस वीडियो वॉज एक्चुअली रिकॉर्डेड ओवर 4 दिन, 3-4 दिन के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स मैं इसको रिकॉर्ड करता गया हूँ, आफ्टर द ऑफिस वॉज ओपन क्लोज ये वो, एंड क्योंकि डिफरेंट इसके स्टेज थे, बनाने वाला स्टेज था, चलाने वाला स्टेज था, एक दिन उसको दिया कमाने के लिए एक्सेट्रा। चौथे दिन मैंने जो चीज नोटिस की है वो ये है कि आज वाले दिन कॉइन जो मैं कह रहा हूँ, जिसको इथेरियम बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है 20% वैल्यू नहीं गिरी, वैल्यू भी गिरी है, और उसका जो उसको माइन करना है ना वो 20% ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी ट्राइंग अदर कॉइन्स एज वेल, ताकि इसको प्रॉफिटेबल रखूँ। और उसके अलावा क्या करना है कि आई बेसिकली केम अक्रॉस अ पर्सन जिसके पास 1000 मशीनें हैं, वो चल रही हैं सदा, और 7 इथेरियम वो दिन के कमा रहे हैं, सो बेसिकली ही इज अर्निंग अराउंड 1 करोड़ रुपया दिन का। एंड थोड़ी पुरानी मशीन्स है, लेकिन क्या है कि उसके पास वास्ट क्वांटिटी है। देन आई हैव बीन टेकिंग एडवाइस फ्रॉम डिफरेंट पीपल, अमरीका शिका आगे पीछे, एंड सो आई एम लर्निंग। और मुझे एक और आज एक सॉफ्टवेयर मिली है जो बयक वक्त एक ही टाइम 2 कॉइन्स को माइन कर सकती है विदाउट अफेक्टिंग दी
एफिशिएंसी, यानी ये नहीं है कि एक कम माइन होना शुरू हो जाएगी. सो इथेरियम भी माइन हो रही है और साथ उसके एक और करेंसी भी होगी. सो इंशाल्लाह दैट विल डबल माय एफिशिएंसी, डबल नहीं तो कम से कम 180%, 170, 150 गुना तो कर देगी. सो पार्ट ऑफ माय होल थिंग है जी सस्ती कीमत पे चीज़ें लेनी है, होलसेल पे लेनी है, विल ऑल्सो बी दिस स्ट्रेटजी के. और इसके पास एक और स्ट्रेटजी होती है कि सोलर पैनल लगा दो. सोलर पैनल तकरीबन आप 15,000 के लगा दोगे, 20,000 के लगा दोगे, एंड दैट विल गिव यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी. और फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज मच बेटर देन पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन आई डोंट नो वो कहाँ किस हद तक आपकी चीज़ को और मजीद प्रॉफिटेबल बना देगी. ओके जी, दैट्स इट. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कम टू chaiwala.com बिजनेस बातचीत करने के लिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.